निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है अपना वेस्ट टू वंडर, और यहाँ पे इसका टिकट मिलता है 50 रुपये का टिकट। टिकट चेक होता है यहाँ पे, उसके बाद एंट्री होती है। सेवन वंडर में फर्स्ट वंडर ये है गीजा का पिरामिड, देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे जितने भी वंडर बने हुए हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इनका जो डे का व्यू है वो अलग आता है और नाइट का व्यू, इसमें लाइटिंग फिट होती है तो और भी अच्छा आता है, तो नाइट का व्यू भी आप देख सकते हैं। सेकेंड वंडर ये झुकी हुई मीनार है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है। थर्ड वंडर आईफिल टावर है पेरिस की, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगला वंडर है ये कोलोसियम इटली का, देख सकते हैं। तो हमारे अगले वंडर का नाम है ताजमहल, जिसको सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट से बना है इसलिए इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक ब्राउन है। और ये है यहाँ का पांचवा वंडर जो बना है अपने वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग घूमने आए। और यहाँ से अपना एफिल टावर भी दिख रहा है जो कि बहुत ही पास में है ताजमहल के, और जो ताजमहल है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगला वंडर है रेडी मरियो, अगला वंडर है जो सबको पता होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में सभी ने सुना हुआ है। ये बना है पार्क रिलिंग पार्ट्स, रिक्शा पार्ट्स, साइकिल चैन और पाइप एंड कार के पार्ट्स से, सारे वंडर इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं वेस्ट प्रोडक्ट से। तो देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसा है। यहाँ का घूमने का टाइम 4 घंटे का होता है, 4-5 घंटे तक आप आराम से घूम सकते हैं। तो यहाँ पे कैंटीन बना हुआ है जहाँ से आप खा सकते हैं।